फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, नेशनलिज्म इन इंडिया। फ्रेंड्स, इस टॉपिक पर, इस चैप्टर पर मैं पहले कई सारे वीडियोस बना चुकी हूँ। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक कर आप वीडियोस देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि वीडियो के एंड में मेरे पास आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, एक धमाकेदार न्यूज़ है। सो आप पूरा वीडियो देखिए ताकि वीडियो के एंड में आप उस न्यूज़ का भी मज़ा ले सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले पढ़ाई करते हैं, उसके बाद जो अच्छी खबर है वो मैं आपको बताऊंगी। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में लोगों ने किस तरीके से पार्टिसिपेट किया, किस किस कम्युनिटी ने पार्टिसिपेट किया, किस तरीके से पार्टिसिपेट किया, किसका क्या मोटिव था पार्टिसिपेट करने के पीछे, वो सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जब हम किसी मूवमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट डिस्कस किया, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डिस्कस किया, अब इसमें हमारा ये पता होना भी हमें बहुत ज़रूरी है कि इसमें लोगों ने इसको किस तरीके से लिया, लोगों के लिए क्यों ज़रूरी था, लोगों का क्या मोटिव था कि लोगों ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। तो वही चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो अपनी टेक्स्ट बुक और अपनी नोटबुक्स को अपने साथ रखिएगा ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप मिस ना कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर। फ्रेंड्स, विलेजेस की जो रिच पीजेंट कम्युनिटी थी, यानी कि जो गाँव के संपन्न किसान थे, जैसे कि गुजरात के पाटीदार्स, उत्तर प्रदेश के जाट, उन लोगों ने इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। लेकिन उन लोगों का मोटो कुछ और था इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने का। फ्रेंड्स, वो लोग कमर्शियल क्रॉप्स प्रोड्यूस करते थे। उस टाइम पीरियड में ट्रेड डिप्रेशन और प्राइसेस के फॉल होने की वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, और जब उनकी कैश इनकम बिल्कुल ख़त्म होने लगी तो वो गवर्नमेंट रेवेन्यू जो था उसको पे नहीं कर पा रहे थे, और जो गवर्नमेंट थी वो रेवेन्यू कम नहीं कर रही थी। तो परेशानी दोनों ही तरफ से थी, उनके पास देने के लिए पैसे नहीं थे और गवर्नमेंट जो है वो रेवेन्यू कम करने का नाम नहीं ले रही थी। इसीलिए वो लोग चाहते थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर उनका जो रेवेन्यू है उसको बिल्कुल कम कर दिया जाए। तो उन्होंने ये मोटिव लेकर वो लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। लेकिन फ्रेंड्स, जब 1931 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस ले लिया गया बिना रेवेन्यू प्राइसेस कम हुए, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा शॉक लगा। और जब 1932 में फ्रेंड्स ये मूवमेंट दोबारा स्टार्ट हुआ तो कई सारे लोगों ने मना कर दिया इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, जब ये मूवमेंट पहले चल रहा था तो गाँव में लोगों ने, जो लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे, उनको भी ज़बरदस्ती इसमें पार्टिसिपेट करवाया। लोगों को लगता था कि शायद मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने से कहीं हद तक रेवेन्यूज कम हो जाएंगे, बट फ्रेंड्स ऐसा नहीं हुआ। और फिर बाद में जब दोबारा स्टार्ट हुआ तो लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ये मोटिव था रिच पीजेंट्स का। उसके बाद फ्रेंड्स, विलेज एरिया में जो पुअर पीजेंट्स थे, जो गरीब किसान थे, वो फ्रेंड्स जो खेती करते थे वो खेती उस लैंड पर करते थे जो वो लैंड लॉर्ड से रेंट पर लेते थे। उस टाइम कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी फ्रेंड्स कि उन लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो लोग उस रेंट को पे कर सकें। उन लोगों के लिए सिर्फ रेवेन्यू ही बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, रेवेन्यू तो उन्हें देना ही था, इसके साथ साथ उन्हें उस ज़मीन का रेंट भी देना था। उन लोगों के लिए एक परेशानी ये भी थी। तो वो लोग चाहते थे जो रेंट है, उस टाइम कंडीशन इतनी ख़राब थी तो वो लोग ये चाहते थे कि जो उनका रेंट है उसको माफ़ कर दिया जाए, जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो उनका रेंट माफ़ कर दें। लेकिन फ्रेंड्स, जो कांग्रेस थी वो पुअर पीजेंट्स का साथ नहीं दे रही थी। ना देने का कारण फ्रेंड्स ये था, जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, रिच पीजेंट्स थे, उनके डर की वजह से कहीं वो लोग उनका साथ न छोड़ दें, इसलिए जो नो रेंट के हमारे प्रोटेस्ट थे उसमें कांग्रेस ने साथ नहीं दिया था। तो ये मोटिव था हमारा पुअर पीजेंट्स का।
सबके मोटिव फ्रेंड्स बिल्कुल अलग थे, हर कोई स्वराज का अलग अलग मतलब निकाल रहा था। रिच पीजेंट्स के लिए था स्वराज का मतलब कि रेवेन्यू को कम कर दिया जाए, पुअर पीजेंट्स के लिए स्वराज का मतलब था जो उनके रेंट है लैंड पर उनको माफ कर दिया जाए। लेकिन फ्रेंड्स आगे और भी लोग हैं जिन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। फ्रेंड्स जो थर्ड कम्युनिटी जिसने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया वो थे इंडस्ट्रियलिस्ट और ट्रेडर्स। फ्रेंड्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर इंडस्ट्रियलिस्ट और ट्रेडर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था और इसी प्रॉफिट की वजह से सोसाइटी में वो लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे और अब वो लोग उन पॉलिसीज़ का विरोध कर रहे थे जो उनके बिजनेस में एक ऑब्स्टेकल का काम कर रही थी। वो उन पॉलिसीज़ को नहीं चाहते थे जो उनके बिजनेस में रुकावटें पैदा कर रही थी जिसकी वजह से उनका बिजनेस आगे नहीं बढ़ पा रहा था, इसलिए उन लोगों ने उन पॉलिसीज़ का विरोध करना शुरू कर दिया। जैसे फॉरेन गुड्स का जो इम्पोर्ट हो रहा था फ्रेंड्स वो लोग उस पर प्रोटेक्शन चाहते थे, वो लोग चाहते थे कि उन्हें फुल प्रूफ प्रोटेक्शन मिले जो इम्पोर्टेड गुड्स हैं उनके ऊपर। उसके बाद फ्रेंड्स इसीलिए उन लोगों ने 1920 में एक कमेटी बनाई जिसका नाम था फ्रेंड्स इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस। इसके बाद 1927 में एक और कमेटी बनी जिसे हम फिक्की कहते हैं। फिक्की आपने सुना होगा फ्रेंड्स, ये जो फुल फॉर्म्स हैं इन्हें बहुत ध्यान से सुनिएगा, FICCI फिक्की, इसकी फुल फॉर्म आपसे एक नंबर में पूछी जा सकती है। फ्रेंड्स फिक्की की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एक नंबर में पूछी जा सकती है इसलिए याद रखिएगा। ये ऑर्गेनाइजेशन फ्रेंड्स बनाई गई ताकि सभी ट्रेडर्स को इकट्ठा किया जा सके और सभी साथ में मिलकर काम कर सकें। फ्रेंड्स जो बड़े बड़े रिच इंडस्ट्रियलिस्ट थे जस्ट लाइक पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास एंड जीडी बिरला, इन लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जितने पैसे हो सकते थे, रेवेन्यू हो सकता था, वो सब कुछ दिया ताकि ये मूवमेंट जितना आगे बढ़ सके बढ़े। इन लोगों ने हर तरीके से इकोनॉमिकल हेल्प की सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। इसके अलावा इन लोगों ने जो भी इम्पोर्टेड गुड्स थे उनको खरीदने से, उनको बेचने से साफ इनकार कर दिया। इनका सिर्फ एक मोटिव था कि जितनी भी पॉलिसीज जो इनके बिजनेस में रुकावट बन रही हैं उनको बिल्कुल बंद कर दिया जाए। जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी उस पर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल ये लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। इनके लिए स्वराज का मतलब था इन लोगों के बिजनेस का आगे बढ़ना। और बिजनेस आगे कब बढ़ेगा? बिजनेस आगे तब बढ़ेगा जब पॉलिसीज को चेंज किया जाएगा, सारी पॉलिसीज को रिवाइज किया जाएगा। अगर पॉलिसीज ब्रिटिशर्स की होंगी तो इंडियंस को फायदा नहीं हो सकता था, इसीलिए इन लोगों के स्वराज का मतलब था कि इंडियन इकोनॉमी पर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल नहीं होना चाहिए और पॉलिसीज को चेंज किया जाना चाहिए। तो ये थे फ्रेंड्स इंडस्ट्रियलिस्ट एंड ट्रेडर्स। फ्रेंड्स इंडस्ट्रियलिस्ट एंड ट्रेडर्स के बाद जो हमारे लेबर क्लास थी उन लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बहुत ही कम पार्टिसिपेट किया, बट नागपुर में काफ़ी हद तक लोग इस मूवमेंट से जुड़े। जैसे कि लोगों के जो वर्किंग आवर्स थे, जो उनकी पुअर वर्किंग कंडीशन थी, लो वेजेस थे, इन सब चीज़ों को उन लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से जोड़ दिया। और फिर जो बॉयकॉट प्लान था, गांधी जी की बहिष्कार की नीति थी, उन लोगों ने इस चीज़ को फॉलो किया, जितने भी विदेशी सामानों का बहिष्कार हो रहा था उसमें पार्टिसिपेट किया। 1930 में रेलवे वर्कर्स ने स्ट्राइक किया, 1932 में जो डॉक वर्कर्स थे उन्होंने भी स्ट्राइक कर दिया। और इसके बाद फ्रेंड्स 1930 के टाइम पीरियड में छोटा नागपुर में जो टिन माइंस हैं वहाँ के वर्कर्स ने गांधी टोपी पहनकर वहाँ पर प्रोटेस्ट किया। तो इस तरीके से कुछ मूवमेंट थे, कुछ लोग थे जिन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। इसके बाद फ्रेंड्स जो कभी नहीं हुआ वो इस मूवमेंट में हुआ, हमारी जो देश की महिलाएं थी उन्होंने अभी तक किसी मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था, बट ये ऐसा पहला मूवमेंट था जिसमें औरतों ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। फीमेल्स आगे आई, फीमेल्स घर से बाहर निकली और सॉल्ट मार्च के टाइम पर गांधी जी की सभाओं में जाने लगी, गांधी जी की बातों को सुनने लगी। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हाउसवाइफ्स जो हैं वो नमक की कीमत जानती थी, उन्हें नमक के बारे में पता था,
कि नमक की उनकी क्या ज़रूरत है, इसलिए वो घरों से बाहर निकली और उन्होंने भी इस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट किया। अब वो ये चीज़ समझने लगी थी कि देश के लिए उनका भी कुछ फ़र्ज है, उन्हें भी कुछ करना चाहिए। बट फ्रेंड्स, ये कंडीशन देखकर भी हम ये नहीं कह सकते थे कि जो औरतों की कंडीशन थी, जो विमेंस की कंडीशन पहले से चली आ रही थी, उसमें कुछ चेंज हुआ। क्योंकि गांधी जी का भी उस टाइम यही मानना था कि जो औरतें हैं उनका काम सिर्फ घर को संभालना, बच्चों को संभालना होता है, उनका काम है कि वो एक अच्छी माँ और एक अच्छी पत्नी बने। इसलिए काफ़ी टाइम तक कांग्रेस में भी अच्छी पोस्ट पर फीमेल्स को जगह नहीं मिली थी। तो फ्रेंड्स, ये कुछ कम्युनिटीज़ थी जिन्होंने अलग अलग मोटिव के साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। पहले थे हमारे गांव के रिच पीजेंट्स, फिर थे हमारे पुअर पीजेंट्स, देन हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट, ट्रेडर्स, देन हमारे लेबरर्स एंड देन फीमेल्स। जो आपको मैंने फुल फॉर्म्स बताई कुछ चीज़ों की, वो फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। अब ये चैप्टर फ्रेंड्स ज़्यादा नहीं बचा है, थोड़ा सा ही रह गया है। इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद मैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। सो फ्रेंड्स, अब बारी है हमारी इम्पॉर्टेंट, या फिर मैं कहूँ एक बहुत ही धमाकेदार न्यूज़ की। आज एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ मैं आपके लिए लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, कई बार होता है कि हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, अपने एजुकेशन से रिलेटेड, अपनी स्टडीज से रिलेटेड, अपने करियर से रिलेटेड, लेकिन हम उन सवालों के जवाब नहीं ढूंढ पाते। हमें उन सवालों के सही जवाब कई बार नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से हम लोग पता नहीं क्या क्या सोच बैठते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका एक बहुत ही अच्छा तरीका आरबी क्लासेस आपके लिए लेकर आ रहा है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट संडे यानी कि 4 नवंबर, इस दिन फ्रेंड्स आपके लिए हम लोग लेके आ रहे हैं लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन। आप अपने क्वेश्चंस हम लोग को भेजिए, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप कमेंट में लिख सकते हैं। आप जितने क्वेश्चन भेजेंगे फ्रेंड्स, उतने ही आंसर्स आपको मिलेंगे। सारे क्वेश्चंस आपके आपके एजुकेशन से रिलेटेड, आपकी स्टडीज से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं, आपको लाइव आंसर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, ये पूरा सेशन आपके सामने लाइव होगा। तो फ्रेंड्स, अपने क्वेश्चंस जल्दी जल्दी हमारे पास भेजिए। हो सकता है फ्रेंड्स आपका भेजा गया क्वेश्चन किसी और का भी क्वेश्चन हो, तो हो सकता है उस स्टूडेंट को भी उसका जवाब मिल जाए। तो फ्रेंड्स, अपने मोबाइल्स उठाइए और जल्दी से हमें ईमेल कीजिए अपने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, और हम उन क्वेश्चंस का लाइव आंसर आपको देंगे। सो फ्रेंड्स, जो ईमेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप कमेंट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं। फ्रेंड्स, डेट मत भूलिएगा, 4 नवंबर। आपके पास 4 नवंबर तक का टाइम है अपने क्वेश्चंस भेजने के लिए। सो फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चंस सोचिए और अपने क्वेश्चंस हमें भेजिए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। सो फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।